कोरोना की दूसरी लहर में अहमदाबाद के श्रीकुंज ग्रुप द्वारा एक अद्वितीय सेवा योजन शुरू किया गया। श्रीकुंज समूह ने महामारी में दिव्यांगों की मदद के लिए लगभग 100 किटों को खाद्यान्न बनाने और वितरित करने की योजना बनाई थी। इस अवसर पर आज टिब्रिवल कॉलेज के NNS स्वसेवक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर समूह के निमशिवन मेहता ने कहा कि हम उन परिवारों की मदद कर रहे हैं जो महामारी में वास्तव में जरूरतमंद है। हम भविष्य में विभिन्न सेवा गतिविधियों का आयोजन भी करेंगे। यहाँ मैं प्रणवशी राजपूत और आप देख रहे हो न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और अभी मेरे साथ जो निमिषा मैम है काफी सराहनीय काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहूंगा जिस प्रकार से आज जो आयोजन किया गया है, जो अंधे लोग है, जो अपंग जो है, उन लोग को एक किट वितरण किया जा रहा है। काफी इस माहौल में ऐसे कार्य करते नजर आ रहे हैं ऐसे लोग, ऐसे संस्थाएं, तो उनसे पूछना चाहूंगा। निमिषा मैम, आपका नाम तो पहले बताएंगे। निमिषा, मेरा नाम निमिषा मेहता है, मैं श्रीकुंज ग्रुप चलाती हूँ। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी हैं और आरजी त्रिवलवाल यूनिट के स्टूडेंट्स भी आते हैं। मैं 3 साल से चलाती हूँ। हम लोग ऐसे दिव्यांग लोगों को, जिनको ज़रूरत होती है, उन लोगों को फूड और बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये काम करती हूँ। मुझे साथ में सब ग्रुप के लोग भी बहुत अच्छी तरह से साथ दे रहे हैं। वो लोग भी मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी हम इससे भी अच्छा काम करना चाहते हैं। मैम, जिस प्रकार से जो किट का आप वितरण कर रहे हैं, इसमें किस प्रकार के जो लोगों को सहाय मिले, क्या क्या किट में आप प्रोवाइड करते हो? हम लोग हैं ना, घी है, गोल है, गेहूँ है, फिर आटा है और चावल और दाल सब ऑयल के साथ सब दे रहे हैं, जिसकी बदौलत वो 2-3 दिन हर रोज खाना बना सकते हैं। मैम, जिस प्रकार से कोविड चल रहा है, कोविड में काफ़ी सारे अहमदाबाद को ले लो और पूरे गुजरात में और पूरे देश में हाहाकार मचा के रखा है कोविड ने, और जो पॉजिटिव केसेस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एम्बुलेंसों की लाइन कतारों में है और पूरे जो बेड्स वो भरे पड़े हुए हैं। जब तक ऐसे सराहनीय काम करते हो, तो आप जो कोविड अभी है चल रहा है उनके बारे में लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? लोगों को यही कहूँगी कि अगर आपसे जितना हो सके आप सबको हेल्प करो, प्रिकॉशन लेके करो, अपनी भी प्रिकॉशन लो और दूसरों को भी प्रिकॉशन के लिए मोटिवेशन करो, पर थोड़ा बहुत हेल्प करनी चाहिए। पर हमारे ग्रुप के लोग ऐसे प्रिकॉशन लेके हम सबको हेल्प करते हैं। जी हाँ, मेरे पास और भी जो मैम है, सीधा मैम है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैम, आप भी एक सराहनीय काम करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी ये बेहद अच्छा काम है, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप आज किट का वितरण किया है इनके बारे में? ये सब दिव्यांग जन थे और दिव्यांग जनों को अभी जैसे नौकरी वोकरी उनके लिए कुछ है नहीं, तो उन्हें अपना घर चलाना, खाना पीना, वो कुछ भी मिलना बहुत कठिन हो रहा है। तो ऐसे टाइम में हमारा जो ग्रुप है श्री कुंज वाला, जिसकी मैम निमिषा बहन है, उन्होंने मेरे आगे ये प्रस्ताव रखा था और मैंने उनको बोला कि आप करना चाहते हैं तो दिव्यांग जनों के लिए भी कुछ करो। तो उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है, 100 किट करी है। 100 किट में जो अपंग है, जो ब्लाइंड है, जो हैंडी, उन सबको बुलाया है आज हमने। आज और कल में 2 दिन में हमने उनको पूरी ये किट दी है, जिससे वो अपने घर में आटा है, चावल है, दाल है, मसाले हैं। उनके पास अभी नौकरी भी नहीं है, तो उनके लिए ये किट बहुत ही काफ़ी मायने रखती है कि खाना पीना मिलना, हम जानते कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण अभी सभी को नौकरी नहीं है, तो उसी के कारण उनको हमें ये किट देना ज़रूरी है। और देने से हमें भी अच्छा लग रहा है और हमारा ये जो ग्रुप है वो बहुत ही अच्छी तरह हम सब मिल के काम कर रहे हैं। रियली जिस प्रकार से ग्रुप की बात की जाए, मैम ग्रुप में कितने लोग काम कर रहे हैं? हाँ, ग्रुप में हम 10 से 15 जन लोग हैं। हमारे साथ LJ जो त्रिप्रवाल कॉलेज है उसके NSS के सब विद्यार्थी भी है और खूब तन मन धन से काम करते हैं। हम एक बार उनको बोल दें, एक बार मैसेज कर देते हैं तो फटाफट हमारे पास आ जाते हैं और हमारे साथ हमको जो भी करना है। आज हमने किट दिए, हम आगे भी सबको खाना खिलाने भी जा रहे हैं डिस्टेंस के साथ। शायद हम मंगलवार को, शुक्रवार को भी हम पूरी सब्जी बना के, ये सब बना के हम अलग अलग जगह पे स्लम एरिया में ये इन सभी टीम के साथ हम ये खाना खिलाने का काम भी करने वाले हैं, कर रहे हैं। अभी तक हमने कई स्लम एरिया में खाना भी खिलाया है और हमारी पूरी टीम जो तैनात रहती है कभी ना नहीं बोलती है, हमेशा हमारे साथ ही है और हम सब मिलके ये काम कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे वक्त में जो ऐसे लोग काम में नहीं आएंगे तो गरीब लोग जाएंगे कहाँ पे। लेकिन गरीबों के लिए भी ऐसे दाता है, जिस प्रकार से इस प्रकार जो हैंडीक्लेप है, जो ब्लाइंड है वगैरह को ऐसी संस्थाएं आगे आके काम करती है और ऐसे किट वितरण में काफ़ी सौभाग्य बनती है। इसके लिए लोग जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो उनके घर में खाना मिल जाता है। मैं प्रणवशी राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गुजरात।